छः माह तक बच्चे को सिर्फ स्तनपान करवाएं। स्तनपान कराने वाली माँ को संतुलित पौष्टिक एवं अतिरिक्त भोजन देना चाहिए। 6 माह की उम्र तक बच्चे की सभी ज़रूरतें सिर्फ माँ के दूध से पूरी हो जाती हैं। माँ का दूध बच्चे के शरीर में पानी की ज़रूरत को भी पूरा करता है, क्योंकि दूध में 80% पानी ही होता है। हर माँ के शरीर में अपने बच्चे के लिए पर्याप्त दूध बनता है, यहाँ तक कि जुड़वे बच्चों के लिए भी। माँ के दूध के अलावा बच्चे को कुछ भी देने से बच्चे को संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। माँ का दूध सबसे अच्छा और सुरक्षित होता है। अगर 6 माह से छोटा बच्चा खाने की चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है या किसी भी चीज़ को मुंह में डालता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह खाना मांग रहा है। वह हर नई चीज़ को देखकर आकर्षित होता है। बच्चे को पानी या कुछ और पिलाने से उसके छोटे से पेट में जगह नहीं बचती और वह माँ का दूध नहीं पी पाता। इससे बच्चा कुपोषित हो जाता है। अगर बच्चा दिन में 6 या इससे अधिक बार पेशाब करता है, तो इसका मतलब यह है कि उसे माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। अगर माँ को काम के लिए बाहर जाना हो या बच्चा बीमारी से या कमजोरी के कारण स्तनों से दूध ना खींच पा रहा हो, तो माँ अपने बच्चे के लिए अपना दूध निकालकर साफ बर्तन में ढककर रख सकती है। यह दूध बाहर 6 से 8 घंटे तक और फ्रिज में 24 घंटे तक रखा जा सकता है। इससे ज़्यादा देर तक होने पर इस दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बोतल से दूध ना पिलाएं। बच्चे के बीमार होने पर या माँ को बुखार जुखाम आदि होने पर बच्चे को दूध पिलाना रोकना नहीं चाहिए। माँ का दूध बच्चे को बीमारियों और संक्रमण से बचाता है। माँ अपने बच्चे को कितना भी स्तनपान कराए, इससे माँ के शरीर में कमजोरी नहीं आती।